दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है और मैं आपको टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करके बताऊंगा जिससे आप आसानी से उनमें से किसी भी एक म्यूचुअल फंड का चुनाव अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकें। तो अगर ये टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले हम समझते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होती हैं। तो सेबी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज का क्लासिफिकेशन किया है। तो जो टॉप 100 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे, यानी जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, उनमें से टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप में शामिल किया गया है। 101 से लेकर 250 जो कंपनीज होती हैं उनको मिड कैप में शामिल किया गया है और 251 ऑनवर्ड जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उन सभी को स्मॉल कैप में शामिल किया गया है। तो यहां पर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स हैं जो 80% अपने पोर्टफोलियो का लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अगर किसी म्यूचुअल फंड हाउस के पास 100 रुपए आते हैं तो उसमें से 80 रुपए वो टॉप 100 कंपनीज में लगाता है और बाकी 20 रुपए बाकी कंपनीज में लगाता है। तो ये एक मैंडेटरी गाइडलाइन है जिसके अंदर 80% उसको अपने पोर्टफोलियो का लार्ज कैप फंड्स में ही लगाना होगा, तो इसलिए इन्हें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं वो टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं। तो यहां पर मैं जो भी बात करूंगा वो डायरेक्ट प्लान की बात करूंगा और कुछ जगह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रेगुलर प्लान में क्या होता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंस है तो एक SIP का वीडियो मैंने बनाया है, उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आपको ये पता लग जाएगा कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम करते हैं कंपैरिजन टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स का। पहला है एक्सिस ब्लू चिप फंड, दूसरा है मिरर एसेट लार्ज कैप फंड और तीसरा है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। ये 3 जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये यहाँ पर 1, 2, 3 का मतलब ये नहीं है कि टॉप 1 एक्सिस है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि पहला फंड जो है वो एक्सिस है, दूसरा मिरर है और तीसरा कैनरा है। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट होने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें सबसे टॉप का म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है, क्योंकि यहां पर मैं बहुत सारी डिटेल्स कवर करने वाला हूं और वो भी कंपैरिजन के फॉर्म में। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अगर मैं फंड हाउस की बात करूँ तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो फंड हाउस है वो है एक्सिस म्यूचुअल फंड, इसी तरह मिरर का है मिरर एसेट म्यूचुअल फंड, कैनरा का है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड। यहाँ पर हम बात करते हैं फंड के लॉन्च डेट की, तो डी का मतलब यहाँ पर है डायरेक्ट और आर का मतलब है रेगुलर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जहां भी डी आता है वहां पर डायरेक्ट की बात हो रही है और आर का मतलब रेगुलर की बात हो रही है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट की, 1 जनवरी 2013 से ही ये फंड लॉन्च हुए थे, उससे पहले जो फंड थे वो रेगुलर थे, क्योंकि डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो कभी भी अपना फंड डायरेक्ट नहीं देते थे, वो किसी थर्ड पार्टी मीडिएटर के थ्रू ही अपना जो फंड है वो देते थे, जबकि रेगुलर प्लान के तहत आता था। क्योंकि जब भी आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू खरीदते हैं तो वहां पर आपको जो है एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि लॉन्च डेट तीनों फंड की लगभग जनवरी 2013 है और यहाँ पर अगर आप रेगुलर प्लान की डेट देखें तो 5 जनवरी 2010 को एक्सिस लॉन्च हुआ था, मिरर एसेट जो हुआ था वो 4 अप्रैल 2008 को लॉन्च हुआ था और कैनरा जो है वो 20 अगस्त 2010 को लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप लेटेस्ट एनएवी देखें 15 मई 2020 तक की, तो यहाँ पर अगर आप एक्सिस ब्लू चिप की एनएवी देखें तो 28.81 है डायरेक्ट प्लान की और 26.43 है रेगुलर प्लान के। इसी तरह से आप बाकी म्यूचुअल फंड्स की भी देखेंगे तो उनमें 2.5-3 रुपीस का फर्क आपको दिखाई देगा एक एनएवी की प्राइस में। तो यहाँ पर अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो डायरेक्ट प्लान में एक्सिस के अंदर देखेंगे तो 0.46 का, मिरर में 0.56 का और कैनरा में 1.17%। तो अगर एक्सिस और मिरर में बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कैनरा में बात करें तो एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.75% ज्यादा है। तो ये एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है कैनरा में। रेगुलर में अगर आप देखोगे तो 1.98% एक्सिस में है और मिरर में 1.65 है और कैनरा में 2.42% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड
सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो कभी भी जाना है तो आप पहली बात तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान में जाइए जिससे आपको कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़े, और सबसे बड़ी बात उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कीजिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है। तो अब बात कर लेते हैं फंड साइज की। तो फंड साइज एक्सिस का जो है वो 12,717 करोड़ का है, मेरा एसेट का 15,347 करोड़ का, और कैनरा का जो है वो है 418 करोड़ का। कैनरा 20 अगस्त 2010 को लॉन्च हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है। बाकी मिरर और एक्सिस में आप देखिए एक्सपेंस रेशियो कम है, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। एयूएम का मतलब होता है असेट अंडर मैनेजमेंट। बेंचमार्क आप देख सकते हैं कि एक्सिस के लिए निफ्टी 50 है। TRI का मतलब होता है टोटल रिटर्न्स इंडेक्स। तो जब भी रिटर्न्स का कंपैरिजन होता है तो ये क्या करते हैं, अपने बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं कि क्या इन्होंने बेंचमार्क से कितना अच्छा रिटर्न दिया है। तो अब बात कर लेते हैं रिटर्न्स एंड इन्वेस्टमेंट की कि इन म्यूचुअल फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है। रिटर्न देने से पहले हम देखते हैं क्रिसिल की रैंकिंग। तो यहाँ पर जो क्रिसिल ने रैंकिंग की है वो है 5-स्टार रेटिंग दे रखी है। यहाँ पर जो मैंने रेटिंग ली है 2019 तक के, लेकिन यहाँ पर पूरे साल का अंत अभी नहीं हुआ है, तो इस साल के एंड में कितना रिटर्न होगा वो बाद में डिसाइड होगा। इसीलिए मैंने जो 2019 तक का 10 साल का रिटर्न यहां पर लिया है तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो 2019 तक तो रेटिंग जो थी वो 5-स्टार थी इन तीनों की, लेकिन अगर मैं बात करूं अभी 2020 की तो मेरे एसेट की जो रेटिंग है वो क्रिसिल ने डाउन कर दी है 3 में। लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्रिसिल की रैंकिंग डाउन करने का तरीका, थोड़ा सा मैंने रिसर्च भी करी लेकिन मुझे क्रिसिल की रैंकिंग समझ में नहीं आई कि इसको 5-स्टार से 3-स्टार क्यों किया गया। लेकिन अगर आप जब पूरा एनालिसिस देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये जो है वो 5-स्टार के बराबर ही है। बाकी अगर आप दूसरी वेबसाइट्स पर भी रिसर्च करेंगे तो वहां पर उनकी जो रेटिंग है वो आपको 5-स्टार ही मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर SIP के थ्रू करना है तो एक्सिस में आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि मिरर और कैनरा में आपको 1,000 रुपीज से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको तीनों म्यूचुअल फंड्स में आपको 5,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं लॉक इन पीरियड की और एग्जिट लोड की। तो लॉक इन पीरियड यहां पर नहीं है क्योंकि जनरली जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है ELSS म्यूचुअल फंड्स में, जहां पर 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है और आपको 3 साल से पहले आप उनको रिडीम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे जब इन्हें रिडीम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहां पर आपको 1 साल का एग्जिट लोड लगता है, यानी कि 1% एग्जिट लोड लगेगा जब आप इसको रिडीम करेंगे अगर 1 साल से पहले। 1 साल के बाद अगर आप रिडीम करते हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। 1 साल से पहले आपको 1% जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड हाउस को। तो अब बात कर लेते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस की और वर्स्ट परफॉर्मेंस की। तो बेस्ट परफॉर्मेंस का जो ईयर है वो तीनों में अगर आप देखेंगे तो 2014 जो था वो बेस्ट ईयर था परफॉर्मेंस का, और अगर आप वर्स्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2011 आता है। तो एक बार चेक करते हैं कि ये हुआ क्या था। तो यहां पर आप ईयरली रिटर्न्स देख सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप, मेरा एसेट और कैनरा का। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 2010 से किसने कितना रिटर्न दिया है, तो जो नेगेटिव रिटर्न है वो मैंने नेगेटिव में कर रखे हैं और जो पॉजिटिव है उसको मैंने पॉजिटिव में करके ग्रीन कलर से कर रखा है। तो यहां पर आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि किसने कितना रिटर्न दिया है। तो यहां पर अगर आप 2011 में देखें तो एक्सिस ने -22% का रिटर्न दिया था, मिरर ने -19% का और कैनरा ने -12% का। इसी के साथ साथ 2012 में देखेंगे तो आपको मोर देन 25% रिटर्न मिलेगा, 28%, 31% और 33%। इसी के साथ साथ 2013 में भी ठीक रिटर्न था। 2014 में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, एक्सिस ने 42% का रिटर्न दिया है, मिरर ने 54% का रिटर्न दिया है और कैनरा ने 36% का रिटर्न दिया है। इसी के बाद 2015-2016 में थोड़ा सा स्लो डाउन रहा, लेकिन अगर आप मिरर को देखेंगे तो आप 5% और 8% का रिटर्न तब भी मिरर ने दिया। उसके बाद आप 2017 में बात करते हैं तो 39% का रिटर्न यहां पर अभी भी मिरर ने दिया है और बाकी एक्सिस ने भी 39% और कैनरा ने भी 32% का रिटर्न दिया है। यहां पर आप 2018 में देखेंगे तो थोड़ा सा मिरर डाउन हुआ, एक्सिस ने अच्छा परफॉर्म किया, और 2019 में देखेंगे तो 19%, 13%, 17% का रिटर्न अभी भी इन्होंने दिया है। तो यहां पर अगर आपको मैं ओवरऑल बताऊं कि कितना रिटर्न इनको मिला है, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो डायरेक्ट प्लान है उसमें जो रिटर्न मिला है 2013 से वो 12.27% सालाना रिटर्न मिला है, और अगर रेगुलर प्लान में देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप में तो 2011 से शुरू हुआ था तो 9.83% का रिटर्न मिला है। अच्छा, इसका रीजन क्या है रेगुलर प्लान में डाउन होने का? तो उसका रीजन है कि अगर आप देखेंगे तो एक्सिस ब्लू चिप में 2013 से स्टार्ट हुआ था, तो ऊपर अगर आप टेबल देखते हैं तो 2013 से जो नेगेटिव रिटर्न से बहुत कम था, लेकिन 2011 में देखेंगे तो आप 22% का नेगेटिव रिटर्न मिला था। इसीलिए जब सालाना रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 9.83% आता है।
इसी तरह अगर आप मिरर एसेट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डायरेक्ट प्लान में 12.06% का रिटर्न दिया है 2013 से, पर क्योंकि मिरर एसेट जो है वो 2009 में ही स्टार्ट हो गया था जो कि इस टेबल में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो टोटल जो रिटर्न बना है वो 12.36% का बना है। अब आप ताजुब कर रहे होंगे कि ऐसा क्या रिटर्न मिल गया 2009 में जिसकी वजह से ये डायरेक्ट प्लान में जो 2013 से रिटर्न मिला है उससे भी ज्यादा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर 2009 में 109.33% का रिटर्न जो है वो मिरर एसेट ने दिया है। तो आप यहां देख सकते हैं कि एक साल में कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, 40% 50% ये हमने देखा है, इजिली देखा है। 2017 में देखिए आप, 2014 में देखिए, 2012 में देखिए, 30, 35, 40% का, 50% का रिटर्न तो हमने 3 साल देखा है। 2009 में ऐसा भी हुआ है कि 109% का रिटर्न भी मिला है, क्योंकि 2008 में जो मार्केट क्रैश हुआ था और उसके बाद जो मार्केट 2009 में अप हुआ तो एक एक फंड के अलावा एक एक स्टॉक ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। तो यहां पर अगर देखें तो मेरे एसेट ने 2009 में 109% का रिटर्न दिया है। कैनरा की बात करें तो 2013 से ये डायरेक्ट फंड चालू हुआ था तो 10% का रिटर्न उसने दिया है, और 2010 में रेगुलर फंड इनका शुरू हुआ था तो वहां पर 8.85% का रिटर्न जो है कैनरा ने दिया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है जो है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले देखने की चीज है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स 23 है एक्सिस में, मिरर में 55 है और कैनरा में 40 है। पीबी रेशियो और पीई रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये इस पोर्टफोलियो का, यानी कि अगर मैं बात करूं एक्सिस ब्लू चिप फंड की तो यहां पर जो 23 स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है उसका पी रेशियो क्या है और पीबी रेशियो क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पीबी रेशियो है 4.64 और पी रेशियो जो है वो 30.84 है। इसी तरह आप जब मिरर की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि पी रेशियो जो है वो 19 है और कैनरा की बात करें तो पी रेशियो जो है वो 24.79 है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पी रेशियो। मिरर एसेट की बात करें तो 19.05 इसका पी है और इसका अगर आप रिटर्न देखें ऊपर तो रिटर्न भी काफी अच्छा दिया है मिरर ने, पी कम है और रिटर्न अच्छा है। तो यहां पर क्या अभी पॉसिबिलिटी और है कि जब मार्केट अप होगा तो नो डाउट एक्सेस भी बढ़ेगा, कैनरा भी बढ़ेगा, मिरर भी बढ़ेगा, लेकिन मिरर की पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लगती है अभी बढ़ने की, क्योंकि इसका पी 19 है और एक्सेस का पी ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है, अभी 30 पे ऑलरेडी पी चल रहा है। तो यहां पर ये भी बढ़ेगा, लेकिन यहां पर इसको देखने से ही पता चलता है कि इसकी जो होल्डिंग्स है यानी कि जो इन्होंने होल्डिंग कर रखी है 23 स्टॉक्स में, वहां पर बहुत ही हाई वैल्यूएशन वाले जो शेयर्स है इन्होंने ले रखे हैं। मेरी अगर पर्सनल चॉइस मानू तो अभी तक मुझे मिरर एसेट समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका पी रेशियो भी कम है, रिटर्न भी इसने अच्छे दिए हैं, तो यहां पर अभी ये नंबर वन की कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा है। तो एक काम करते हैं, इनकी होल्डिंग्स और देख लेते हैं, होल्डिंग्स देखने से ये और समझ में आ जाएगा कि क्या सच में मेरा एसेट नंबर वन है या फिर एक्सेस ब्लू चिप नंबर वन है। पी रेशियो और रिटर्न्स पे अभी भी मेरा एसेट नंबर वन लग रहा है मुझे, लेकिन एक बार इसका पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने टॉप 12 होल्डिंग्स का पोर्टफोलियो निकाला है, तो यहां पर अगर आप 12 कंपनियों की होल्डिंग आप देखते हैं तो नंबर वन पे एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस ब्लू चिप में, मिरर में और कैनरा में, तीनों में एचडीएफसी बैंक नंबर वन होल्डिंग्स हैं। मिरर ने अपने पोर्टफोलियो का 9.74% जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है एचडीएफसी बैंक में कर रखी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9.72। अब मैं आज की डेट में बता दूं कि एचडीएफसी बैंक डाउन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक ठाक पोजिशन पे पहुंच रखा है, लेकिन अगर एवेन्यू सुपर मार्ट्स की मैं बात करूं तो अभी पीक पे चल रहा है, यानी एक्सिस ब्लू चिप ने सेकंड नंबर पे 6.98% अपने पोर्टफोलियो का एवेन्यू सुपर मार्ट्स में डाल रखा है, जो कि अभी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे है। इस तरह से आप कोटक महिंद्रा बैंक और इस तरह से देखेंगे तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि किन स्टॉक्स में इन्होंने ज्यादा लगा रखा है और मिरर के बढ़ने के चांसेस क्यों है, क्योंकि आप देखिए मिरर ने आईटीसी में भी पैसा लगा रखा है 3.1% अपने पोर्टफोलियो का। तो यानी कि मिरर अभी आईटीसी की कंडीशन देखो तो आईटीसी भी बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, एलएनटी बहुत डाउन है, टीसीएस डाउन है, इंफोसिस डाउन है, तो अभी इन सभी में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देखिए कि अपने हाई से कितना डाउन हो चुका है, एचडीएफसी कितना डाउन हो चुका है। तो ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं ये अभी जब ग्रो करेंगे तो मेरा एसेट भी तेजी से बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्सिस ब्लू चिप भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप यहां पर बात करते हैं तो मुझे पर्सनली अभी मेरा एसेट और एक्सिस ब्लू चिप दोनों फंड बहुत अच्छे लगते हैं मेरे पास। सही बताऊं तो दोनों की होल्डिंग्स हैं, मैं दोनों की एसआईपी करता हूं, मेरे पास एक्सिस भी है और मेरा एसेट भी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों में से किसके साथ जाना है, आपको दोनों रखने हैं या फिर लार्ज कैप कैटेगरी में सिर्फ आपको एक ही म्यूचुअल फंड रखना है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं और आप जाके किसी भी वेबसाइट पे अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आपको इस एक ही वीडियो में कंपेयर करके सारी चीजें समझाने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।